हरदा के रहने वाले युवक हितेश नागले के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना वरदान साबित हुई। मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले हितेश आईआईटी स्नातक तक शिक्षित हैं। पिता की छोटी सी नौकरी थी जिसमें 8 व्यक्तियों का परिवार चलता था। पिता के सेवानिवृत्त होने के बाद परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी हितेश के कंधे पर आ गई। उस वक्त एक शिविर के जरिए हितेश को उद्यम क्रांति योजना के बारे में पता चला। उद्योग विभाग में आवेदन करने के बाद हितेश को व्यापार के लिए 10 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत हुआ। इन्हीं पैसों से इलेक्ट्रिक व्हीकल का छोटा सा शोरूम खोला और परिवार की मुश्किलें हल हो गई। पहले नमस्कार, मेरा नाम हितेश नागले है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मैं हम लोग छोटा परिवार है। हम लोग हमारे भाई बहन, 2 भाई और 2 बहन हैं और मेरे पापा अभी गवर्नमेंट से रिटायर्ड हुए हैं, छोटा सा मतलब जॉब से रिटायर हुए हैं। साथ ही में मेरे सारी पापा के रिटायरमेंट के बाद सारी घर की जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर आ गई थी, तो इस कारण मैंने ये योजना के बारे में मुझे जानकारी मिली मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के बारे में, तो इसके लिए मैंने अप्लाई किया और इससे मुझे उद्यम क्रांति की योजना से मुझे 10 लाख रुपए का लोन जो है सरकार द्वारा प्राप्त हुआ है और मैंने उसके लिए अपना छोटा सा व्यवसाय चालू किया है और मैंने इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम का जो कि अभी भविष्य में आने वाली बिजनेस है तो इसको मैंने स्टार्ट किया है। साथ ही में मैंने 2 लोगों को रोज़गार भी दिया है और आगे भी मैं इसकी जो सारी किस्तें हैं लोन की वो समय से मेरी SBI बैंक में जारी है किस्तें। हितेश को शुरुआत में परेशानी आई लेकिन शिवराज सरकार की एक और योजना यहां उनके लिए मददगार साबित हुई। सरकार ने 12वीं में टॉपर्स को ई स्कूटी देने का ऐलान किया, ऐसे में उनका बिजनेस चल पड़ा। साथ ही में मैंने अभी ये योजना के बारे में जब मैं लाभान्वित हुआ तो मैंने इसके लिए अभी जो स्टूडेंट्स हैं मेधावी छात्र मुख्यमंत्री द्वारा स्कूटी वितरण की गई थी उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया गया था और स्टूडेंटों को एमओ की इलेक्ट्रिकल बाइक की ओर से हमने 6 गाड़ियाँ दी हुई है। और उसके बाद साथ ही हमने अभी ये योजना के बारे में जब जानकारी मिली तो हमें बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई कि भाई अभी नए यंगस्टर होते हैं, नए नए जो युवा पीढ़ी होती है इनके पास अच्छी स्किल्स होती है, नॉलेज होता हैगा, पर इसके साथ कहीं ना कहीं ये फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होने के कारण ये अपना हाथ खींच लेते हैं, तो इनको ये यंगस्टर और जो बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके लिए ये योजना से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और वो अपना उज्जवल फ्यूचर भविष्य को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं इसके साथ मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी योजना बनाई है जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट्स को कम किया जा सकता है। हितेश के पास खुद का रोजगार है, साथ ही वे 2 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। हितेश आज युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। हम एक हितेश नागले जी हैं, उन्होंने इलेक्ट्रिक बाइक का शोरूम खोला हुआ है। उन्होंने स्वरोजगार स्थापित करने के साथ साथ पर्यावरण को भी साफ सुथरा रखने के लिए प्रयत्न किया है कि जिससे वो खुद भी लाभान्वित हो और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। हितेश नागले जी को 10 लाख का लोन उन्होंने अप्लाई किया था, आवेदन किया था मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद भी युवाओं को इसके लिए प्रोत्साहित करते हैं, साथ ही उद्योग विभाग के साथ समय समय पर इसके क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा भी करते हैं।